आज हमने प्रभा स्कूल की तरफ से आपके लिए स्टैंडर्ड थर्ड का सब्जेक्ट कंप्यूटर चैप्टर नंबर 4 लेकर आए हैं, लर्न टू यूज माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2010, यानी कि हमें माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2010 किस तरीके से कैसे यहाँ पर यूज कर सकते हैं वो हमें यहाँ पर बताया गया है। पहला हमें यहाँ पर दिया हुआ है इंट्रोडक्शन, डू यू लाइक टू राइट वर्ड्स एंड सेंटेंस इन कलरफुल डिजाइन एंड पैटर्न्स, यानी कि हम जो शब्द वगैरह अक्षर वगैरह लिखते हैं हमें यहाँ पे क्वेश्चन किया गया है कि अगर वो रंगीन हो डिज़ाइन वाले हो तो हमें लिखने में और भी ज़्यादा मज़ा आता है। यू डू इट यूजिंग अ कंप्यूटर, हम कंप्यूटर का इस्तेमाल करके ये सारी चीज़ें कर सकते हैं। यू ऑलरेडी नो द यूज़ ऑफ कीबोर्ड एंड माउस, हमें जैसे ही पता है कि माउस और कीबोर्ड किस तरीके से कैसे यूज होते हैं। यू ऑल्सो नो हाउ टू टाइप टेक्स्ट ऑन कंप्यूटर यूजिंग वर्ड पैड, यानी कि वर्ड पैड का इस्तेमाल करके हुए हम टेक्स्ट, यानी कि अगर हमें लिखना हो तो किस तरीके से हम लिख सकते हैं। नाउ यू विल लर्न हाउ टू टाइप टेक्स्ट यूजिंग अ सॉफ्टवेयर कॉल माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2010, अब हम ये सीखेंगे कि हम इस सॉफ्टवेयर को किस तरीके से कैसे टाइप कर सकते हैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2010 को यूज करते हुए, जिसमें हमें सेकेंड यहाँ पे दिया हुआ है वर्ड प्रोसेसिंग। वर्ड प्रोसेसर इज एन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर दैट हेल्प यू टू टाइप टेक्स्ट ऑन अ कंप्यूटर, यानी कि वर्ड प्रोसेसर क्या है, एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है जो हमें क्या मदद करती है टेक्स्ट वगैरह को लिखने में। द प्रोसेस ऑफ टाइपिंग यूजिंग अ वर्ड प्रोसेसर इज नोन एज वर्ड प्रोसेसिंग, यानी कि यहाँ पे जो प्रोसेस हम जिसे टाइप करते हैं वर्ड प्रोसेसर को यूज करते हुए जिसे हम वर्ड प्रोसेसिंग के नाम से भी जानते हैं। देर आर मैनी वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर अवेलेबल, सम ऑफ देम आर माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, नोट पैड, वर्ड पैड, वर्ड स्टार, ओपन ऑफिस राइटर, वर्ड परफेक्ट एंड पेज मेकर। इन दिस चैप्टर यू विल लर्न अबाउट माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2010, यानी कि हमारे पास बहुत सारे ऐसे सॉफ्टवेयर है लिखने के लिए जिसमें हम अच्छे से लिख सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं। इसमें हम क्या सीखेंगे, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2010 सीखेंगे, इसको हम कैसे किस तरीके से चला सकते हैं। जैसे कि ये जो सॉफ्टवेयर के नाम दिए गए इनकी हमें इमेज यानी कि फ़ोटो दी गई है, हमारे पास ओपन ऑफिस राइटर कुछ इस तरीके से दिखता है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड कुछ इस तरीके से दिखता है, पेज मेकर है वो कुछ इस तरीके से हमें शो होता है। अब यहाँ पे हमें दिया हुआ यूजेस ऑफ अ वर्ड प्रोसेसर, वर्ड प्रोसेसर का हम कैसे यूज कर सकते हैं। लुक एट द फॉलोइंग पिक्चर शोइंग हाउ अ वर्ड प्रोसेसर इज यूज्ड बाय डिफरेंट पीपल टू डू डिफरेंट काइंड ऑफ वर्क, यानी कि हम यहाँ पे देख सकते हैं वर्ड प्रोसेसर किस तरीके से अलग अलग लोग काम कर सकते हैं। फर्स्ट मेकिंग अ टाइम टेबल, हम टाइम टेबल जो हमारा स्कूल का बनता है कौन से दिन कौन सा सब्जेक्ट लेकर आना है उसके लिए हम इसका यूज़ कर सकते हैं। मेकिंग अ बिजनेस रिपोर्ट, हमें कोई रिपोर्ट वगैरह तैयार करनी हो कोई हम बिजनेस के लिए वो कर सकते हैं। टाइप एन एसे और अ लेटर, हम यहाँ पर इसमें एसे लेटर भी इसमें अच्छे से हम हमारे तरीके से टाइप कर सकते हैं। फीचर्स ऑफ अ वर्ड प्रोसेसर, वर्ड प्रोसेसर के क्या क्या काम है किस तरीके से काम है। यू कैन एडिट वर्ड्स एंड सेंटेंस, हम ये जो वर्ड और सेंटेंस है अपने तरीके से लिख सकते हैं। यू कैन चेंज द साइज एंड स्टाइल ऑफ लेटर एंड मेक देम कलरफुल, हम इन्हें रंग बिरंगा बना सकते हैं साइज और शेप बदलते हुए। यू कैन सेट द मार्जिन फॉर अ पेज, हम ये ऊपर जो आपको लाइन दी गई है हमें मार्जिन दी गई है कितना कैसे हमें चीज़ों को करना है। यू कैन कट कॉपी एंड पेस्ट टेक्स्ट, यानी कि हमने जो लिखा हुआ टेक्स्ट है इसको हम कट भी कर सकते हैं, सेम टू सेम कॉपी भी कर सकते हैं और यहाँ पे वापस उसे पेस्ट भी हम कर सकते हैं। यू कैन चेक एंड करेक्ट स्पेलिंग एंड ग्रामर, हमारी कोई स्पेलिंग ग्रामर वगैरह में मिस्टेक हो जाती है तो वो भी हम इसमें कर सकते हैं। यू कैन इंसर्ट अ पिक्चर इन योर डॉक्यूमेंट, हम हमारे डॉक्यूमेंट में ये हमें पिक्चर दी गई है तो इस तरीके की पिक्चर भी हम यहाँ पर डाल सकते हैं। यू कैन प्रिंट योर डॉक्यूमेंट, इसको हम प्रिंट यानी कि पेपर में भी हम निकलवा सकते हैं। नेक्स्ट हमें यहाँ पे दिया हुआ है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2010, इसको हम इस्तेमाल कैसे करते हैं। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड इज पॉपुलरली नोन एज MS वर्ड, हमें इसे किस नाम से जानते हैं, इसका दूसरा नाम है MS वर्ड, इस नाम से हम इसे जानते हैं। वी विल लर्न अबाउट द माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2010, इसके बारे में हम और डिटेल में देखेंगे। स्टेप वन हमें दिया हुआ है क्लिक द स्टार्ट प्रोग्राम, पहले हमें यहाँ पे स्टार्ट प्रोग्राम पे क्लिक करना है, क्लिक ऑल द प्रोग्राम। नेक्स्ट हमें यहाँ पे ऑल प्रोग्राम पे क्लिक करना है, क्लिक माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, हमें यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पे क्लिक करना है, क्लिक माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2010, इसी में हमें नीचे दिया होगा यहाँ पे हमें ढूंढना है, ऊपर नीचे चीज़ें हो सकती है हमें ढूंढना है और यहाँ पर माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2010 को यहाँ पर क्लिक करना है। ये हमारा माइक्रोसॉफ्ट वर्ड स्क्रीन अपीयर यहाँ पे हुआ है, इस तरीके से कुछ दिखेगा। ये हमारा है क्विक एक्सेस टूल बार, ये हमारा टाइटल बार है, ये मिनिमाइज बटन, मैक्सिमाइज बटन, ये हमारा क्लोज बटन यहाँ पे दिया हुआ है। नीचे आते हुए ये हमारा रिबन दिया हुआ है, ये हमारा डॉक्यूमेंट एरिया दिया हुआ है,
कि हमारा स्टेटस बार यहाँ पे दिया हुआ है, ये हमारा कर्सर है, ये जो लाइंस वगैरह ये हमारा रूलर्स दिए गए हैं, और लास्टली हमारे यहाँ पे फाइल टैब दिया हुआ है। तो इस तरीके से स्क्रीन है वो हमें कुछ इस तरीके से दिखाई देती है। अब हम देखेंगे स्क्रीन जो हमें ऊपर दिखाई गई है किस तरीके से कैसे यहाँ पर काम करती है। जैसे कि यहाँ पे स्क्रीन एलिमेंट्स ऑफ माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2010 में हम स्क्रीन एलिमेंट्स देखेंगे। पहले हमने जो ऊपर देखा था टाइटल बार, ठीक है, हमें यहाँ पर दिखाया गया था टाइटल बार, इसके किस तरीके से हम इसको यूज कर सकते हैं। इट अपियर ऑन द टॉप ऑफ द स्क्रीन, हमें दिखा है, पहले ही हमने देखा था ये ऊपरी हिस्से में मौजूद होता है। टाइटल बार डिस्प्ले द नेम ऑफ द करंट डॉक्यूमेंट, हमारा जो डॉक्यूमेंट है अगर हमें उसे नाम देना हो तो हम इस चीज़ का यूज़ कर सकते हैं। इट ऑल्सो कंटेन्स मिनिमाइज मैक्सिमाइज एंड क्लोज बटन, ये तीन तरीके के बटन हैं जो इसमें मौजूद होते हैं। इट ऑल्सो होल्ड द क्विक एक्सेस टूल बार, क्विक एक्सेस टूल बार भी इसमें हमें शो होता है। क्विक एक्सेस टूल बार हमें दिखाया गया, इट इज़ प्रेजेंट ऑन द टाइटल बार, ये टाइटल बार पे ऊपरी बाजू में मौजूद होता है। दिस हेल्प अस टू डू कॉमन टास्क जस्ट वन क्लिक, हम एक ही क्लिक से सारी चीज़ें हैं वो अच्छे से बहुत ही अच्छे से यहाँ पर कर सकते हैं। फिर हमें यहाँ पे दिया हुआ है रिबन, द रिबन कंटेन टू पार्ट्स टैब एंड ग्रुप, यानी कि दो हिस्सों में से दिए गए, ऊपर वाले हमारे पास टैब्स दिए गए हैं, नीचे वाले हमारे पास ग्रुप्स दिए गए हैं। ईच टैब कंटेन कमांड्स अरेंज इन डिफरेंट ग्रुप, हर एक में अलग अलग कमांड होती है जो उनको अरेंज किया होता है। अब हमारा दिया हुआ फाइल टैब, इट इज द ब्लू टैब लोकेटेड इन अपर लेफ्ट कॉर्नर ऑफ द माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2010 स्क्रीन, यानी कि अपर मोस्ट हमारा टैब होता है जिसमें ब्लू कलर का जो है वो फाइल नामक टैब हमारे पास यहाँ पे मौजूद होता है। When you click file tab, you see Microsoft Office. जब हम इस file tab को क्लिक करते हैं तो हमें Microsoft Office है वो पीछे, यानी कि इसका जो व्यू है हमें दिखाई देता है। ये हमारा यहाँ पे बैक स्टेज व्यू, यानी कि पीछे का जो भी प्रोसेस होती है वो दिखाई देती है। बैक स्टेज व्यू शो द सेट ऑफ कमांड यूज टू मैनेज द डॉक्यूमेंट लाइक क्रिएटिंग सेविंग ओपनिंग प्रिंटिंग एंड सो ऑन, यानी कि ये सारे जो कमांड्स है वो हमें शो होते हैं, हमें बनाना हो सेव करना हो न्यू फाइल खोलनी हो प्रिंट करना हो वो सारी चीज़ें हमें इसमें दिखाई देती है। डॉक्यूमेंट एरिया हमें यहाँ पे दिया हुआ है, इट इज़ लार्ज वाइड स्पेस टाइप द टेक्स्ट, यानी कि बड़ी सी एरिया दी जाती है जिसमें हम टेक्स्ट वगैरह टाइप करते हैं। फिर हमें यहाँ पे दिया हुआ है कर्सर, द ब्लिंकिंग लाइन ऑन द डॉक्यूमेंट एरिया कॉल्ड कर्सर, इट टेल्स द पोजीशन ऑफ द टाइपिंग टाइप्ड टेक्स्ट, यानी कि हमारे पास जो एक तरीके की लाइन होती है जो ब्लिंक होती रहती है, ठीक है, ऐसे आती और जाती है इस तरीके से, तो वो भी हम इसमें यूज़ कर सकते हैं। फिर हमें यहाँ पे क्या दिया हुआ है, स्टेटस बार, इट डिस्प्ले द पेज नंबर नंबर ऑफ वर्ड्स एंड जूम ऑप्शन, इसमें हमारे पास क्या होता है कितने पेज नंबर है कितने अक्षर लिखे हैं कितना जूम कर सकते हैं वो हमें इसमें सारी चीज़ें दी होती है। फिर यहाँ पे दिया हुआ है रूलर्स, इट कैप्स ट्रैक ऑन ऑफ द पेज मार्जिन हाइट विथ ऑफ द पेज, यानी कि रूलर में हमें क्या पता चलता है कितनी तरीके से कितनी जगह छोड़नी है कितनी हाइट रखनी है कितनी विथ रखनी है, ये सारी चीज़ें हमें इसमें रूलर्स में यहाँ पर पता चलती है।